देखिए, अभी पहले एयरफोर्स में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लाया, अभी आर्मी में लाया, अभी पिछले बार मतलब आगे जैसे जैसे भर्ती आएगा ना, नेवी में भी आएगा, तो डाउट नहीं रखना। ये जो आर्मी में और जो नेवी में एयरफोर्स में आया ना, ये किस लिए आया पता है? ये अग्निवीर का माइंड सेट चेक करने के लिए, क्योंकि अभी ऐसे अग्निवीर है, आ रहे हैं घर वापस जा रहे हैं, वो वापस आ ही नहीं रहे, तो सेना का जो ट्रेनिंग का खर्चा वेस्ट जा रहा है। इसलिए आपकी माइंड सेट को चेक करने के लिए ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट लाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग इस बार एयरफोर्स भोपाल में भी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में फेल हो गए, तो क्यों ना मैं उनको एक बुक रेकमेंड करूँ, ताकि उनकी जो रेफरेंस बनेगा कि हाँ ऐसा होता है। पहले मैं बताना चाहूँगा, जो एयरफोर्स में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता था एक्स वाई और नर्सिंग के लिए, वो होता था SRT और होता था ग्रुप डिस्कशन। तो एयरफोर्स ने यहाँ पर चेंजमेंट कर दिया, बोला नहीं हमारे को सिर्फ ग्रुप डिस्कशन चाहिए, हम ग्रुप डिस्कशन में देखेंगे कि हाँ बंदा मतलब कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, इंग्लिश का कैसे बोलना चलना है, क्या सोचता है बंदा और कैसे पकड़ता है। तो एयरफोर्स ने जो आपका जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन है, पार्ट वन है, उसको हटा दिया, यानी आपको SRT दे ही देना पड़ेगा, सिर्फ आपको ग्रुप डिस्कशन देना है। दूसरी बात, जो आपकी इंडियन आर्मी है उसने क्या किया, बोला मैं ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं करूँगा SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में करूँगा। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट अलग होता है दोस्तों। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया, उसमें एयरफोर्स वाले 10 मिनट आपको बताते भी है, जैसे कोरोना का टॉपिक आपको दिया, 10 मिनट आपको बताएंगे कोरोना ऐसे वैसे वैसे हुआ था। उसके बाद आपने की पॉइंट्स वहाँ पर चुपचाप नोट करते रहना है, जैसे आपको 10-20 का ग्रुप बनेगा, और वहाँ पर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आपको वहाँ पर खड़ा होना है, और वहाँ पर अपने आपको इंट्रोड्यूस करना है, सेल्फ इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट इज़ योर नेम और कहाँ से आए आप, क्या पढ़ाई की, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और फिर कुछ पॉइंट्स। कभी कभी जो IO बैठे रहते हैं पीछे, यानी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो मना कर देते हैं, भाई यहाँ पर ना तुम इसका सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। तो डायरेक्ट आपको 2-3-4 लाइन 5 लाइन बोलना ही होता है वहाँ पर, एज पर जो भी टॉपिक आपको मिला है। अगर आप नहीं बोलते हो बिल्कुल भी, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस बार एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट एंड फार्मासिस्ट असिस्टेंट की भोपाल में बड़ी बुरी तरीके से अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में बंदों को छांटा है, मतलब बड़ी बुरी तरीके से उनको फेल किया है। तो इसको आप हल्के में नहीं लेना, ठीक है? तो इसीलिए ये बुक्स आपके लिए क्या हो सकता है, एक बढ़िया सा हो सकता है एक रेफरेंस के दौरान, ठीक है? दूसरा, आर्मी में क्या है, SRT है। SRT अलग होता है, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मेनली इसकी मतलब ये होता है कि जैसे एक नेगेटिव सिचुएशन है, और वहाँ पर से अगर आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिवली ओपिनियन देते हैं, पॉजिटिवली आपके एक्शन होता है, उसको दिखाते हैं कि हाँ इस बंदे में कुछ सोल्जर लाइक या फिर पॉजिटिव लाइक क्वालिटी है, ये अग्निवीर में जाने के लायक है बंदा, जैसे बाद में ट्रेनिंग करके भागेगा नहीं, अगर घर में जाएगा तो टाइम से वापस आ जाएगा, ठीक है? लेकिन वो तो आपको पता ही है अग्निवीर की क्या हालत है, मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा। दूसरी बात है भाई, नेवी में ना ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट अभी तक लाया नहीं गया। मुझे लगता है कि आगे जैसे नर्सिंग असिस्टेंट आएगा, SSR और AA में भी, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो या फिर SRT हो या फिर DFT हो यानी ड्राफ्ट, ठीक है, तो वो पक्का डालेंगे, या से इन दोनों में से तीनों में से एक डालेंगे। तो अगर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में इस बुक को खरीदना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। और इसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन से नीचे खरीद लेना। बहुत सारे आपको यहाँ पर बुक मिल जाएंगे, जैसे आप डालोगे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का, बट यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का भी मिल जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजी, SRT। SRT बंद हो गया तो लेके कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है? यहाँ पर बढ़िया पब्लिकेशन का मिल जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया ये SK पब्लिशर का बुक है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, 111 रुपये का बुक है, ज़्यादा नहीं है, पेपर बुक है, 111 रुपये का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर इसको लिखा है राम सिंह यादव, बहुत अच्छा राइटर है, और यजवेंद्र यादव, दोनों ने लिखा है, SK पब्लिशर का ये बुक है, ठीक है? और ये पर ये हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज पर है, या फिर सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, आपको हिंदी चाहिए हिंदी में मिल जाएगा। यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इन हिंदी आप टाइप कर सकते हैं, आपको हिंदी में चाहिए तो। देखिए कोई भी बुक ना दो टाइप के आता है भाई, कभी भी हिंदी और इंग्लिश में ओनली नहीं आता, ठीक है? तो यहाँ पर जो बुक आ रहा है इसमें ऐड है, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी शायद इसी में ही ऐड है, तो दोनों में आप खरीद सकते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम आ गया, तो वहाँ पर जो लिखा था उसने हिंदी मीडियम लिखा था, ठीक है? क्या लिखा था, हिंदी मीडियम, और तो वो दोनों बुक आपकी हिंदी में आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में SK पब्लिशर का बुक मिल जाएगा, 100 कुछ रुपए का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप SRT फ्यूचर में देने जा रहे हैं आर्मी और एयरफोर्स का, आप इसको खरीद सकते हैं। SRT का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मान लीजिए आप एक बंदा है, आप एक ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, और जाने के टाइम ना आपने देखा कहीं एक एक्सीडेंट हुआ है, तो लेकिन ये मीटिंग भी बहुत अर्जेंट है आपके लिए, इसको जाना है, अटेंड करना, आपके करियर का सवाल है, तो यहाँ पर आप दे देगा, दो लाइन दे देगा, यू आर गोइंग टू ए अर्जेंट मीटिंग, सडनली यू आर सीक ई ए कार और एक बाइक सडनली, मतलब उसको धक्का दिया, इंसान
किसी एक लोग को और वो गिर गया, तो आप क्या करोगे? यू करके ऐसे छोड़ देगा, ऐसे एसएसआईटी आपको देगा, आपकी मोबाइल से उसमें चार ऑप्शन भी देगा आपको, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है आपको, कैसे कैसे आपकी मोबाइल लेके जाना है वहाँ पर और क्या क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको टिक करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, टेलीग्राम में लिंक डाल दूंगा, आमिर सर ऑफिशियल है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर आप करोगे कि हाँ मैं उसको उठाऊंगा, फिर फास्टैग दूंगा, फिर जैसे आपने उसको बताया कि मैं उसको उठाऊंगा, फिर फास्टैग दूंगा, फिर किसी एक एम्बुलेंस को बुलाऊंगा और एम्बुलेंस में बैठा के उसको छोड़ दूंगा, फिर मैं कंपनी में जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू दूंगा और बाद में आके उसके हालचाल पूछूंगा और जाते टाइम उसकी नंबर लेके उसके रिलेटिव को कॉल कर दूंगा। तो ये ऑप्शन में होगा, उस ऑप्शन को चूज करना है। तो इस बुक से आपको बिल्कुल रेफरेंस मिल जाएगा और इसके बाद ये बुक आपकी वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद अगर आपको एससीसी एग्जाम देना है, फौज में जाके अफसर बनना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, वहाँ पर एसआरटी और जीडी ये दोनों टेस्ट होता है एसएसबी में और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, तो वहाँ पर भी ये बुक आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है कि प्री प्रिपरेशन होके जा रहे हो फॉर एक ऑफिसर एंट्री के लिए, ठीक है। तो अगर ये बुक आपको अच्छा लगता है, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से बाय कर लेना। बाकी इसकी रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है मुझे आप कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।